नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मंत्रा के YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है ना, आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे एक आपके लिए मेथड लेकर के आए हैं गुना में, जिसका नाम हमने रखा है बाबू जापानी मेथड। ठीक है ना, जापानी मेथड इसको हमने नाम रखा है बाबू जापानी मेथड। इसका जापान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से बनाया है उसका हमने इसका नामकरण किया जापानी मेथड। ठीक है, चलेगा। जापानी मेथड क्यों हम नाम रखे हैं इसका नाम भी बताएंगे अगले वीडियो में। चलेगा, हम लोग सीखेंगे बाबू किसी संख्या को कैसे गुना किया जाता है। चलेगा, जैसे मान लिया जाए बाबू, अगर आपको गुना करना रहे इस तरीके से, मान लिया जाए आपको गुना करना है बाबू 98 में, आपको गुना करना है 97 से, इसको कैसे गुना करेंगे? तो आपको कुछ नहीं देखना है बाबू, देखना है कि बस 100 से संख्या कितना ज्यादा है या कितना कम है, यही बस हमें पता करना है। तो देख रहे हैं बाबू कि 100 से 2 कम है तो 2 लिख लीजिए नीचे, इसको देख रहे हैं 100 से 3 कम है तो 3 लिख लीजिए नीचे। अब देखिए बाबू, इसको क्रॉस सोचिए, क्रॉस के बारे में अब देखेंगे बाबू। तो 98 में से अगर 3 जाएगा तो वही 95 बचेगा, या तो फिर 97 में से 2 अगर जाएगा तो वही 95 बचेगा, यानी कि दोनों स्थिति में जो हुआ 95 बचा। अब आपको क्या करना है बाबू, अभी जितना कम है इसको आपस में गुना कर लेना है। तो गुना कर लेंगे 3 में 2 से, तो 3 दूनी 6, और 6 बाबू सिंगल डिजिट है, हमेशा डबल डिजिट के साथ प्रयोग करना है, इसलिए बाबू 06 लिखेंगे। ये आपका उत्तर आ गया, यही आपका था जापानी मेथड। जब आपको इसको और इसको गुना कीजिएगा तो आपका उत्तर इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं। चलेगा, जैसे मान लिया जाए आपको बाबू 104 है और यहाँ पास बाबू 107 है, इसको जापानी मेथड से कैसे करेंगे? हमें अब सोचना है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है बाबू 4, ये आपको 100 से कितना ज्यादा है तो 7 लिख लीजिए। अब वही बात सोचना है क्रॉस, क्रॉस सोचेंगे तो बाबू 107 में अगर 4 जोड़ेंगे तभी 111 होता है, अगर बाबू 104 में अगर 7 जोड़ेंगे तो वही 111 होता है, यानी कि दोनों स्थिति में 111 हुआ, तो 111 को 111 लिख दिया हम। फिर देखेंगे बाबू 7 और 4 को आपस में गुना कर लेंगे, 7 और 4 को आपस में गुना कर लेंगे तो 27 का 28, 28 में कितना अंक है, डबल अंक है, तो हमेशा डबल अंक ही लिखना है, न तो कम लिखना है न तो ज्यादा लिखना है। तो यहाँ पास 27 का कितना जाएगा 28, यहाँ पास आपका 28 उत्तर। जब आपको इसको और इसको में गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ रहा होगा। एक और बाबू हम लोग चलते हैं, एक और मान लिया जाए 108 में गुना करना है बाबू, 108 या फिर एक बड़ा संख्या लेते हैं 112 में गुना करना है आपको 113 से, 112 में 113 से, तो सोचेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है तो 12, इस 100 से कितना ज्यादा है बाबू 13, सोचिए बाबू विचार कीजिए क्रॉस। ठीक है ना, 112 में 13 जोड़ेंगे तो वही 125 ही होगा, और 113 में अगर 12 जोड़ेंगे यानी कि दोनों स्थिति में आपका 125 हो रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं बाबू, अब 12 में 13 से यदि गुना की करेंगे तो हमने बताया था 12 में 13 से गुना कैसे करेंगे। ठीक है ना बाबू, उसको तरीका बताया था 12 में 13 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 रख दीजिए बाबू, आइए के कम है, यानी कि 156। और हमने बताया आपको हमेशा दो डिजिट का प्रयोग करना है, लेकिन 156 है ना, 3 डिजिट आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये जो 1 है इधर आपस में आकर जुड़ जाएगा, तो 125 और 126 यानी कि 126 56 आपका आंसर चलेगा। आपको बाबू कैसा लगा जापानी मेथड? अगर जापानी मेथड आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए। ठीक है ना, और अभी तक आप अगर मैथ मंत्रा का परिवार नहीं बने हैं तो आप लाल बटन को सब्सक्राइब करके आप मैथ मंत्रा का परिवार बन सकते हैं। ठीक है ना, और बाबू आप बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी इस तरीके का जापानी मेथड हो गया या बंगाल टाइगर हो गया या बंगाली जादूगर हो गया, जितने भी इस तरीके के मेथड आएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाय।